हमारे सीन के ये चार ग्रुप हैं, याद हो गया? सुनाओ कौन कौन से ग्रुप, और तरतीब भी इसी तरतीब से याद रखना। हवाशी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी तफसील में देखते हैं। इसी तरतीब से हम लिखेंगे ज़ौजैन, ज़ौजैन इसी तरतीब से हम देखेंगे, एक तरफ मुजक्कर को और एक तरफ मुअन्नस को। दाएं तरफ हम मुजक्कर को लेते हैं, बाएं तरफ मुअन्नस को। मुअन्नस, हाँ, क्या होगा ज़ौजैन में से मुजक्कर में मेल में क्या आएगा? ज़ौज, शौहर। और फीमेल में क्या आएगा? ज़ौजा, बीवी। पहला ग्रुप याद हो गया, ज़ौजैन में सिर्फ दो ही है, इसमें कोई तीसरा तो नहीं आ सकता ना, ज़ौज, ज़ौजा। दूसरा ग्रुप पुरु का, निचली नस्ल ना, निचली नस्ल, इसमें मुज़क्कर में कौन आएगा? बेटा आएगा, इब्न कहते हैं उसको, इब्न बेटा, बेटा आएगा, और बेटे का भी बेटा आ सकता है, इब्न अल इब्न, इब्न अल इब्न, इब्न अल इब्न बेटे का बेटा। तो ये इब्न हो गया, इब्न अल इब्न मुज़क्कर में। इधर कौन आएगा मुअन्नस में? बिंत, बेटी। और बेटी और कौन आ सकती है? पोती, पोती को क्या कहते हैं अरबी में? बिंतुल इब्न। बिंतुल इब्न ये फुरू का ग्रुप है, उसमें ये चार, इब्न बेटा, इब्न इब्न पोता, बिन बेटी, बिंतुल इब्न पोती। ये समझ में आ गया? ये ग्रुप, दो ग्रुप हो गए वारिसिन के। तीसरा ग्रुप उसूल, मुज़क्कर कौन आएगा? बाप, अब कहते हैं, अब माने बाप। और कौन आएगा? दादा, अबुल अब। अब अबुल अब, बाप दादा, यहाँ पे पोता, और फिर पोते का वो बढ़ते जाएगा कंटिन्यू है नीचे, लेकिन उसको भी लिखना नहीं है, सिर्फ आप दो ही लिखें, इससे ज्यादा आमतौर से होता नहीं है, वो बाद में देखेंगे इसको, अभी सिर्फ इतना याद रखें। अब अबुल अब मुअन्नस में, मुअन्नस में क्या आएगा? माँ, ओम माँ, और माँ की माँ, जैसे बाप का बाप ऐसे माँ की माँ, उम्मुल उम, उम्मुल उम नानी। एक और इसमें एक और औरत आएगी, दादी, उम्मुल अब बाप की माँ, उम्मा ने माँ और अब माने बाप, उम्मुल अब बाप की माँ, दादी, उम्मुल अब। तो ये उम, उम्मुल उम, उम्मुल अब, माँ, माँ की माँ, बाप की माँ, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को समझने के लिए, थोड़ा सा जहन में रखने के लिए, ये कह सकते हैं कि वालदेन में से हर एक की माँ, वालदेन में से हर एक की माँ। तो ये ज़ौजैन ग्रुप, फुरू का ग्रुप, और ये उसूल का ग्रुप। एक चौथा ग्रुप क्या है? हवाश, उसको अलग से लिखना होगा मिटा के। चौथा
हवाशी ये अगर ऐसी कॉपी है ना उसके नीचे ही लिखा है तो अच्छा, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम उसको फिर से लिख रहे हैं, लेकिन आप इसे ऐसे वर्क में लिखें कि उसके नीचे ही आए, बड़े से वर्क में समझने के लिए आप लिखें। मुज़क्कर में क्या आएगा, हवाशी में भाई, इसमें आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हर तरह का भाई, हाँ क्योंकि भाई भी कई तरह का होता है ना। एक होता है अख शकी, सगा भाई, अक्षकी सगा भाई मतलब कि दोनों की माँ भी एक है और दोनों के बाप भी एक ही, और हमारे यहाँ आमतौर से ऐसे ही भाई बहन होते हैं कि माँ भी एक है और बाप भी एक है, क्योंकि यहाँ दूसरी शादी नहीं होती। दूसरे किस्म के भाइयों की नौबत तब आती है जब आदमी दो एक से ज्यादा शादी करे, तो हमारे यहाँ तो एक ही शादी होती है। अख ले अब बाप शरीक भाई, यानी दोनों का बाप एक ही हो और माँ अलग अलग, आदमी ने दो शादी किया तो एक बीवी से एक लड़का है और दूसरी बीवी से दूसरा लड़का है, तो इन दोनों की माएँ अलग अलग हैं लेकिन बाप एक ही है, तो उसको क्या कहते हैं, अख ले अब बाप शरीक। और ये होता है अख माँ शरीक भाई, यानी दोनों की माँ एक ही है बाप अलग अलग, तो ये तीन तरह के हर तरह के भाई, ये तीनों क्या है हवाशी में, तो मुज़क्कर में आते हैं। इधर आए हर तरह की बहन, हाँ अब वही सब उन्हीं का जोड़ा लिख दीजिए, अक्ष की जगह शकीका, उख शकीका और अख ले अब की जगह उख्त ले अब और अख ले उख्त ले, ठीक है ये वननेस में है, सगी बहन बाप शरीक बहन माँ शरीक बहन। इधर देखें आप ट्रिब्यूनल ऑफ शकी, या भी शॉर्ट में लिखता हूँ शकी, तो पूरा ही लिख देता हूँ शकी का ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ऑफ शकी और ट्रिब्यूनल आ, ये तीन भाई है ना, इन तीन में से ऊपर के जो दो भाई हैं उनके बेटे भी वारिस बनते हैं, इब्दुल अख शकीक यानी सगे भाई का बेटा और इब्दुल अख ले अब यानी बाप शरीक भाई का बेटा। अब ये जो पूरा ग्रुप है इन सबको भी एक नाम दे सकते हैं, इस पूरे ग्रुप को एक नाम दे सकते हैं, पूरा ग्रुप है ना इसको भी एक नाम दे सकते, इस ग्रुप में जो ये पार्ट है ना इसको भी एक नाम दे सकते हो, उपवा का हुआ है। इसके बाद हवाशी में एक और आते हैं हम शकी, हम शकी यानी सगा चचा, हम ले आप बाप शरीक चचा और इन दोनों के बेटे भी आप इब्नुल हम इब्नुल हम
और इस ग्रुप को आप अमूमा का नाम दे सकते हैं। अमूमा अम शकीक सगा चचा, अम लेहब बाप शरीक चचा, और इब्नुल अम शकीक सगे चचे का बेटा, इब्नुल अम लेहब बाप शरीक चचा का बेटा। ये पूरा हवाशी के तहत, यानी एक ग्रुप है हवाशी। हवाशी इस ग्रुप के तहत ये सारी चीजें याद कर लो। यहां तक ये पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है। इस पूरे को हवाशी, ये मैंने जो है जहन में रहे उसके लिए मैंने कह दिया कि इस पूरे ग्रुप को ना ये सबको लेके, ये सबको लेके क्या बोल सकते हो, खुआ यानी भाइयों का ग्रुप, ये अमूमा चचा का ग्रुप। तो अभी ऐसे हवाशी आपने कहा ना, चौथा ग्रुप हवाशी है। तो हवाशी में सब आ गए, फहरिस्त लंबी है ना, तो इन दोनों को भी जहन में रखने के लिए दो ग्रुप में डाल दें इनको, एक अखुआ एक अमूमा। अब अखुआ में हर तरह का भाई, हर तरह की बहन, और जो ऊपर के दो तरह के भाई है ना, सगे भाई का बेटा और बाप शरीक भाई का बेटा, ये ग्रुप खत्म। अभी अमूमा, सगा चचा बाप शरीक चचा, इन दोनों के बेटे, सगा चचा का बेटा बाप शरीक चचा का बेटा, ये हाँ अमूमा। वो याद करने के लिए, वो सब सिर्फ जहन में बिठाने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये हवाशी का पूरा ग्रुप है। यहाँ तक ये वारिसीन की लिस्ट खत्म हो जाती है। खुलासा क्या है उसका, कि वारिसीन में कुल चार ग्रुप होते हैं। पांचवा ग्रुप भी है, लेकिन उसको हमने कहा कि उसको छोड़ देते हैं, वला वाला असहाबुल वला का, तो उसको छोड़ के कुल कितने ग्रुप हैं, चार। पहला ज़ौजैन, दूसरा फुरू, ज़ौजैन यानी मियां बीवी, दूसरा फुरू यानी बच्चे निचली नस्ल, और तीसरा उसूल, उसूल यानी ऊपर की नस्ल, और चौथा हवाशी यानी किनारे के रिश्तेदार। तो ये चार ग्रुप जहन में बैठाएं इसी तरतीब से, तो आपको ये सारे नाम याद रखने में आसानी होगी। अब ये चार बैठाने के बाद आप दोबारा देखें हर ग्रुप में से कौन कौन है। ज़ौजैन में दो हैं, कौन कौन, मुज़क्कर में शौहर है और मुअन्नस में बीवी है। फुरू में चार हैं, मुज़क्कर में कौन है, बेटा है, फिर उसका बेटा पोता है, और मुअन्नस में बेटी है और फिर पोती है। फुरू के बाद क्या आया, उसूल, उसूल में मुज़क्कर में कौन है, बाप है, फिर बाप का बाप दादा, मुअन्नस में कौन है, माँ है, और फिर माँ की माँ या बाप की माँ, वालदैन में से किसी की भी माँ। तो यहाँ तक उसूल के वारिसीन खत्म हुई। चौथा हवाशी, इसमें ज़्यादा है, तो इसमें एक मुज़क्कर में हर तरह का भाई, तीन टाइप के भाई होते हैं तीनों, और मुअन्नस में हर तरह की बहन, तीन टाइप की बहन होती है तीनों बहन। फिर नीचे थोड़ा सा उतरेंगे, भाइयों में दो तरह के, ऊपर के जो दो तरह के भाई है ना, सगा भाई बाप शरीक भाई, इन दोनों की औलाद, हाँ इन दोनों के बेटे, सगे भाई का बेटा बाप शरीक भाई का बेटा। और फिर नीचे उतरे चचाओं का ग्रुप है, तो चचा सगा चचा बाप शरीक चचा, सगे चचे का बेटा बाप शरीक चचा का बेटा। ये पूरी लिस्ट है वारिसीन की, ये अच्छी तरह से याद रहे आखिर तक। और याद करने का तरीका यही है, ये चार ग्रुप में आप इनको डिवाइड करके आसानी से याद कर सकते हैं। और याद करने का एक दूसरा तरीका क्या है, ये ग्रुप हटा दे एक तरफ से सबको लिखे उसको भी, लेकिन वो चीज़ जहन में रुकती नहीं है। ये ग्रुप में बंद करके याद करेंगे तो आसानी रहेगी।